हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये ब्लॉग है वो कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है, कोई भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूंगी आज मैं। मैंने सोचा आज की चलो जो मैंने शॉपिंग किया था होली पे उसका आज रिव्यू वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि उस समय मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी कि क्या क्या शॉपिंग मैंने किया है इस बार होली पे। तो वही मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग जो है वो मेरी फैमिली है तो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है। तो फर्स्ट मैं आप लोग के साथ मैं आप लोग को अपनी साड़ी दिखा रही हूँ। और इस बार का शॉपिंग जो था मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगाया, सारा कुछ मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले ये साड़ी देख लीजिए। ये साड़ी इतनी खूबसूरत थी ना कि फर्स्ट नजर देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। और इसका बॉर्डर इतना खूबसूरत बॉर्डर है इसका, आप देख सकते हो इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत है। पूरी साड़ी में आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा, नीचे की मतलब नीचे की साइड में पूरा ये बॉर्डर आपको मिलेगा, और ऊपर का जो साइड होगा जहाँ हम पल्ला बनाते हैं तो वहाँ वहाँ पे आपको हाफ मिलेगा। और आपको ये आंचल पर ये कुछ लटकन मिल जाएंगे, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 लटकन आपको मिल जाएंगे। और ये साड़ी का जो मैं कपड़े की बात करूं तो कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, इसका कपड़े का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। अब पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरह की बूटियां मिल जाएंगी, सारी साड़ी में ये बूटियां मिल जाएंगी। और बूटियों के ऊपर एक एक स्टोन लगाया हुआ है, और स्टोन भी जो है मैंने मतलब साड़ी को वाश किया है, फिर भी वाश कराया फिर भी ये स्टोन जो है वो निकला नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात इस साड़ी की है। और मैं आपको इसे एक बार पहन के दिखाती हूँ। वैसे जो लोग मेरा होली का ब्लॉग देखे होंगे वो इस साड़ी को पूरा फुल लुक में देखे होंगे कि पूरा पहनने के बाद ये साड़ी कैसी दिखती है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी का कलर भी इतना प्यारा कलर है, ये पीच कलर है, इसका रिफ्लेक्शन कलर आ रहा है, दो कलर में है ये, एक पीच कलर है एक पिंक कलर है इसमें, तो आप देख सकते हो। और इसका आप अगर प्लेट व्लेट बनाओगे ना तो इतनी इजीली इसका प्लेट बन जा रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं, जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा है फोल्ड करने में या कुछ भी करने में। तो आप देख सकते हो इसका प्लेट्स भी, आप चाहे इसे ओपन करके पहनिए चाहे इसे फोल्ड करके पहनिए, किसी भी तरीके से पहनेंगे साड़ी का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो अपने लिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर की थी। और इसका ब्लाउज जो है उसकी मैं क्या बात करूँ, इतना खूबसूरत मुझे ब्लाउज मिल गया इसका, मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत मिल जाएगा। ब्लाउज जो हैवी वर्क है, और इसका जो बॉर्डर का कलर है यानी कि ये फिरोजी कलर, इस कलर का मुझे ब्लाउज मिला है इसमें, ये देख सकते हो आप। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे बैक में जो है हमारे पूरा डिजाइन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो ये बैक का डिजाइन है। और ये दो साइड में आपको बाजू का डिजाइन मिल जाता है। और तो ये इसका फुल ब्लाउज है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ब्लाउज भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी साड़ी भी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ मैंने छवि के लिए क्या ड्रेस लिया था। छवि का ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिल गया था। और तो साड़ी की बात करूँ तो साड़ी मुझे 1500 में मिल गई थी, मतलब प्राइस के हिसाब से साड़ी मुझे बहुत अच्छी मिली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ छवि का ड्रेस। तो ये देखिए छवि का मैंने लिया था सरारा टाइप का, जो आजकल इस समय न्यू फैशन में चला हुआ है, तो आप देख सकते हो कुछ। तो ये फुल पैंट है, ये पैंट पे आप नीचे आओगे तो आपको घेर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप घेर जो है आपको बहुत काफी मतलब घेरा मिल जाएगा। और आप पीछे में कमर की बात करूं तो पीछे में देखिए बेल्ट लगा हुआ है, आप मोटे पतले किसी पे भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। और इसका पिक मैं आपको लगा दूंगी, आप देख सकते हो कि पहनने के बाद छवि का लुक कैसा लग रहा था। और इसके साथ मिल जाता है एक ब्लाउज, ब्लाउज आप देख सकते हो ब्लाउज पे जो है स्टोन के वर्क हुए हैं, ये गले का वर्क है, और ये बीच में एक वर्क दे दिया है, पीछे से ये डोरी दे दिया है कि आप एडजस्ट कर सकते हो कि आप मतलब कमर के हिसाब से इस डोरी से आप एडजस्ट कर सकते हो, मोटा पतला जैसा भी बच्चा होगा उस हिसाब से। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये इसकी कोटी है, आप ब्लाउज पहनने के बाद से इस कोटी को पहनोगे, और कोटी पे देखिए ये पूरा मतलब ये वर्क है, पूरा स्टोन का पूरा स्टोन लगा हुआ है, और ये स्टोन निकलेगा नहीं, मैं नेल से इसे मतलब स्क्रैच करके देख रही थी बट ये नहीं निकलेगा। फुल अस्तीन की बाजू है, और बाजू पे आपको मिल जाएगा फ्रिल, और यहाँ पे एक डोरी है, डोरी में लटकन लगा हुआ है, आप इसे डोरी से मतलब इस कोट को पहनने के बाद से हल्का सा इसे आप बांध सकते हो। तो इस कोटी को पहनने के बाद से लुक बहुत अच्छा आ रहा था छवि का। तो ऐसा मैं ऑनलाइन देख रही थी बट मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, तो लोकल मार्केट से मिल गया तो मैंने ले लिया। और इसकी प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 1200 रुपये, 1200 रुपये मुझे छवि का ड्रेस मिल गया था।
और रुपेश का था, तो रुपेश के लिए मैंने पैंट लिया था, जींस का पैंट लिया था, और उसके लिए एक टी शर्ट लिया था और एक शर्ट लिया था। तो आप शर्ट देख सकते हो, कुछ इस तरह का शर्ट है। इस शर्ट का जो डिजाइन है वो बड़े बड़े चेक में है और हाफ बाजू है इसका, और प्योर कॉटन है। ये गर्मियों में आप पहना सकते हो, प्योर कॉटन है, तो ये गर्मियों में आपके शरीर को जो है वो ठंडक देगा। चूंकि ये रुपेश के लिए मैंने ये एक शर्ट लिया था और एक टी शर्ट लिया था रुपेश के लिए, स्काई ब्लू कलर का इसका मतलब टी शर्ट है, और कुछ इस तरीके से इस पे बना हुआ है डिजाइन है, हाफ बाजू है, गर्मियों के लिए ले लिया था, पहन लेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो चूड़ी ली थी, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चूड़ी मैंने अलग अलग लिया था, सेट अपने से बनाया है। तो वेलवेट की चूड़ी थी और ये सारे कड़े जो थे ये कड़े मैंने लिए थे, और काफी खूबसूरत ये लग रहा था हाथ पे। तो ये हो गई चूड़ी, बस इतना ही, और कुछ शॉपिंग नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे फुल सपोर्ट किया करिए, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं जीरो हूँ, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत कुछ बन सकती हूँ, पर मुझे इतना पता है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज नीचे वाले रेड बटन को पुश कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, आप वॉच कर पाओगे, मेरे न्यू वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। तो अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।